दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए। पर दोस्तों कोविड-19 के चलते हम ड्यूटी के अंदर बुरी तरह फंसे हैं, फिर भी हमने वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा है। तो अगर हम किसी के रिक्वेस्ट पर वीडियो नहीं ला पा रहे हैं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो आप लोग ही हो जिनका कमेंट पढ़कर मुझे इस बुरे वक्त में भी मोटिवेशन मिलता है। आज के वीडियो हमें सजेस्ट किए थे अश्विनी कुमार नाथ जी। आज हम बात करेंगे केंद्रापड़ा में स्थित श्री लक्ष्मी बराजीव मंदिर के बारे में। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि भगवान श्री हरि नारायण जी के एक अवतार थे वराह अवतार, और श्री बराजी ही हैं आड़ी के इष्ट देव। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये आड़ी में आए कैसे। इसको जानने से पहले हमें आड़ी के राजवंश के बारे में जानना होगा। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि गजपति श्री मुकुंद देव उड़ीसा के आखिरी हिंदू सम्राट थे, फिर उड़ीसा अफगान मुगल मराठा और आखिर में अंग्रेजों के हाथों चला गया। पर उस दौर में भी कई छोटे छोटे गड़जात राज्य थे जो जैसे तैसे बच गए थे, और उन्हीं में से एक था आड़ी। आड़ी के राजवंश उड़ीसा के आखिरी हिंदू सम्राट गजपति श्री मुकुंद देव जी के वंशज हैं। इस वंश में एक महान राजा जन्मे थे जो श्री बराह जी के परम भक्त थे। दोस्तों मैंने बहुत ढूंढा पर उस राजा का नाम मुझे नहीं मिल सका। पर यह बात है सन 1500 की। राजा जाजपुर जिले के बैतरणी नदी कुल में स्थित एक बराह मंदिर में हर रोज दर्शन के लिए जाते थे। इस मंदिर में बराह जी के त्रिमूर्ति थे जिनका नाम कुछ इस प्रकार है, यज्ञ बराह, श्वेत बराह और लक्ष्मी बराह। राजा अपने आप से एक वादा किए थे कि वे जब तक बराह जी का दर्शन ना कर लेते तब तक वे ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे ना ही वे आड़ी लौटेंगे। ये प्रक्रिया हर रोज चलता था। एक साल आषाढ़ के महीने में उड़ीसा में मूसलाधार बारिश हुआ। कई दिनों तक हुए लगातार बारिश के चलते सारे नदी में बाढ़ आ गई। एक सुबह बारिश में भीगते हुए घोड़े पर सवार आड़ी राजा पहुंचे बैतरणी नदी तट पे। उस समय कोई पुल तो था नहीं, था तो सिर्फ नाव, और नाव में सवार होकर विशाल बैतरणी नदी को पार कर पाना, और वो भी बाढ़ के समय, लगभग नामुमकिन था। दुख और निराशा में जर्जरित आली राजा वहां दिन भर प्रतीक्षा किए, पर जब बारिश नहीं थमा तो वे शाम को वहीं सो गए। उस रात राजा स्वप्न देखे कि स्वयं भगवान श्री बरानाथ उनके पास खड़े हैं। प्रभु बरानाथ बोले, हे पुत्र, मैं तेरा कष्ट और नहीं देख सकता। मैं खुद तेरे साथ तेरे राज्य जाऊंगा, वहां तू हर रोज मेरा दर्शन करना। फिर राजा पूछे, हे प्रभु, मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप मेरे साथ आ रहे हैं। दोस्तों फिर बराजीव बोले, तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, पर एक चीज का ध्यान रखना, कभी पीछे मुड़के नहीं देखना। राजा साहब का नींद खुल गया, वे उठे और महल के तरफ चलने लगे। जैसे ही वो दो कदम आगे गए राजा के रोंगटे खड़े हो गया, क्योंकि सचमुच उनको नूपुर की आवाज सुनाई दे रहा था। राजा सोचे कि मैं भगवान श्री बरानाथ जी को अपने महल ले जाऊंगा। राजा बस सीधे महल के तरफ चल दिए। रास्ते में आया खरसुआ नदी। बोला जाता है कि उफनता खरसुआ नदी दो हिस्से में बट गया ताकि राजा नदी पार कर सके। नदी के उस पार था और एक मंदिर जहां पूजे जाते थे धात्रीश्वर महादेव और माँ धात्री मंगला। वहां एक विशाल सरसों का खेत था। जब राजा उस खेत को पार हो रहे थे तब अचानक उनको नूपुर की आवाज आना बंद हो गया। राजा डर गए। राजा सोचे कि शायद भगवान कहीं चले गए हैं। वो पीछे मुड़ गए और तभी शून्यवाणी हुआ, राजा मैं तेरे साथ महल नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। राजा भी खुश हो गए क्योंकि एक ही स्थान में श्रीहरि नारायण श्री महादेव जी और माँ आदिशक्ति जी के दर्शन भी हो जाएगा। दोस्तों आप आज जो लक्ष्मी बराजीव मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण आड़ी के राजा रामकृष्ण देव करवाए थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका मरम्मत होता गया। दोस्तों जाजपुर के यज्ञ बराह मंदिर के पुजारियों का एक टुकड़ी को यहाँ पे बुलाया गया, जिनको मंदिर परिचालना के लिए
राजा 2100 एकड़ जमीन दान पे दिए। दोस्तों यहाँ मान्यता है कि अगर आप किसी भीषण रोग में पीड़ित हैं, तो इस मंदिर में एक कुंड है। उस कुंड में भगवान बराजीव के नहाने का पानी गिरता है। अगर आप उस पानी में नहाओगे तो आप अवश्य रोग मुक्त होगे। दोस्तों इस मंदिर में एक धातु निर्मित पत्थर है। कहा जाता है कि अगर आपके मन में भक्ति और समर्पण का भाव हो तो ही आप इस पत्थर को उठा सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि जब भगवान बराजीव के युद्ध हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष के साथ हुआ था, तब हिरण्याक्ष जो मुद्रिका पहना था ये पत्थर उसी के अंदर था। जब श्री बराजीव हिरण्याक्ष का वध कर दिए तब ये पत्थर उसके मुद्रिका से निकलकर नीचे गिरा। पर उस मंदिर के एक पुजारी बताए कि ये धातु निर्मित पत्थर दरअसल मंदिर के शिखर पे लगा था। सदियों पहले इस मंदिर पर बिजली गिरा था जिसके कारण ये पत्थर नीचे गिर गया। खैर सत्य क्या है ये तो भगवान ही जाने, पर रोग व्याधि यहाँ ठीक होता है ये लोगों का मानना है, यही सत्य है और यही आस्था है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। खैर चलता हूँ और मिलता हूँ सत्य संधान सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।